इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 15, जिसका शीर्षक है नौकर। नौकर यानी सेवक। जो काम हम नहीं कर पाते, उनके लिए किसी को वेतन देकर काम करवाना, जो हम अक्सर करते हैं। लेकिन बच्चों, गांधी जी एक ऐसे महान शख्स थे जो हमेशा अपने काम स्वयं ही करते थे। फिर चाहे वो आटा पीसना हो या अपने घर की साफ सफाई करना हो, साथ ही वो दूसरों की मदद के लिए भी हमेशा तत्पर रहते थे। वे किसी भी काम को करने में संकोच नहीं करते थे। तो आइए बच्चों, गांधी जी किस तरह के काम करते थे, उनका जीवन कैसा था, उनको जानने के लिए शुरू करते हैं आज का ये पाठ, जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बच्चों ये बताओ, गांधी जी का पूरा नाम क्या है? ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, ठीक है? आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आम तौर पर नौकर चाकर करते हैं। तो गांधी जी साबरमती के आश्रम में रहते थे ना, तो वहां पर गांधी जी ऐसे काम भी करते थे जो अक्सर नौकर चाकर ही करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री यानी वकालत से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। तो उस वक्त गांधी जी अपनी वकालत से हजारों रुपए कमाते थे, लेकिन फिर भी वो हर रोज अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा कौन थी? गांधी जी की पत्नी, और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। हाथ बटाने का अर्थ है कि मदद करना। तो घर के बाकी लोग भी उनकी मदद करते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। तो आज जो हमारे घर में आटा आता है, या तो वो थैली में पैक आता है, या फिर आपने देखा होगा गेहूं को पिसवा कर लाते हैं, तो जो मशीन उनको पीसती है वो किससे चलती है? बिजली से। लेकिन उस जमाने में गांधी जी हाथ वाली चक्की से वो अपना खुद अनाज पीसते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी जी ने पिसाई का काम जारी रखा। साबरमती आश्रम में भी गांधी जी ने अपना ये पीसने का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। तो हाथ वाली चक्की भी कभी कभी खराब हो जाती थी, तो उसकी भी कुछ सेटिंग करनी पड़ती है, तो उसको ठीक करने में घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आश्रम में तो बहुत सारे लोग रहते थे ना, तो उन सब के लिए आटा कम पड़ गया, ऐसा एक कार्यकर्ता ने कहा। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठ खड़े हुए। तो उसी वक्त गांधी जी तुरंत खड़े हो गए। फौरन का अर्थ है तुरंत। गेहूं पीसने से पहले उसे बिनकर साफ करने पर जोर देते थे। गांधी जी क्या चाहते थे कि गेहूं को पीसने से पहले, गेहूं को बिनना क्या कहलाता है? चुनना। उसमें से कोई पत्थर हो या कोई कचरा हो तो पहले उसको साफ किया जाए, उसके बाद गेहूं को पीसा जाए। कोपिनधारी लंगोट पहनने वाला कौन? यहाँ पर कोपिनधारी गांधी जी के लिए कहा गया है, क्योंकि गांधी जी की तस्वीर आपने हमेशा देखी होगी, वो हमेशा लंगोट पहने रहते हैं, जिसे धोती भी कहते हैं। तो इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। हैरत का अर्थ है अचंबा करते थे, आश्चर्य में पड़ जाते थे कि इतने महान व्यक्ति ये अनाज बीनने का काम करते हैं। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। तो बाहर वाले लोगों के सामने भी कोई शारीरिक काम करने में गांधी जी को शर्म नहीं आती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था, यानी बड़ा ही उसको घमंड था कि वह अपनी अंग्रेजी भाषा बहुत अच्छी तरह जानता है। गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू,
यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ पढ़ने लिखने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली। मन की बात ताड़ लेने का अर्थ है दिल की बात जान लेना। तो गांधी जी को लगा कि वो अपनी अंग्रेजी की धाक दिखाना चाहते हैं, तो इसलिए सोच रहा होगा कि मुझे कोई पढ़ने लिखने का काम देंगे। इसलिए गांधी जी उनके दिल की बात जान गए और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। तो अगर आपके पास समय है तो क्या सहायता मांगी कि इस थाली में जो गेहूं रखे हैं उनको साफ कर डालिए। आगंतुक जो वो लड़का आया था, आने वाला, बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। कोई चारा न होने का अर्थ है कि कोई उपाय न होना, क्योंकि उसने खुद ही बोला कि मुझे कोई काम दीजिए। एक घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी से विदा मांगकर चल दिए। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद दी। सवेरे ही प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते। आड़े हाथों लेना, अवसर पाकर खरी खोटी सुनाना, उनको अच्छी तरह डांट लगाते थे, क्योंकि गांधी जी को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी जो उसी आश्रम में रहने वाला, को कुछ ऐसे केले दिए गए जिसके छिलके पर काले चकते पड़ गए थे। चकते यानी केले के ऊपर कुछ काले काले धब्बे पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। उस आश्रमवासी को अच्छा नहीं लगा कि मुझे काले चकते पड़े हुए केला दिया गया। तब गांधी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमज़ोर है। तो गांधी जी ने उनको समझाया कि हाजमा का अर्थ है कि तुम्हारी पाचन शक्ति कमज़ोर है, इसलिए तुम्हें ये पका हुआ केला दिया गया ताकि वो जल्दी से पच जाए। गांधी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे, क्योंकि गांधी जी को तो पोषक तत्वों के बारे में ज्ञान था ना, तो वो उबली हुई चीज़ें या जो उनमें स्वाद नहीं था ऐसी चीज़ें भी वो लोगों को खिलाते, तो गांधी जी स्वयं ही उनको परोसते, तो अगर उनको पसंद भी नहीं आता तो भी वो लोग कुछ नहीं कह पाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में दो बार भोजन परोसने का कार्य कर भी चुके थे। तो ये काम भी गांधी जी ने किया था कि सैकड़ों कैदियों को दिन में दो बार भोजन परोसने का। आश्रम का एक नियम ये था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांध कर धोते थे। दल यानी समूह बनाकर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पैंदी में खूब कालिख लगी थी। कालिख क्या होती है बच्चों? अगर आपने चूल्हे के ऊपर रखे बर्तन देखे हों तो आपको अच्छी तरह समझ आएगी ये कालिख। किसी चीज पर धुआं आदि के जमने से निर्मित काला मैल, जो ज्यादातर चूल्हे पर खाना बनाने के लिए रखे जाने वाले बर्तनों पर लगती है। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा वहां आ गई। जो अभी हम विम बार से जो बर्तन धोते हैं, वो पहले के जमाने में जब चूल्हे पे खाना बनाया जाता था तो लकड़ियां जलने के बाद उनसे जो राख बनती थी उससे वो बर्तन साफ किए जाते थे। तो गांधी जी पतीले को खूब जोर से रगड़ रगड़ कर चमकाने में लगे हुए थे, तभी उनकी पत्नी वहां आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, ये काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी जी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंप कर चले आए।
बर्तन एकदम चमकते न हो, तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था, मददगार जो सहायता करने वाला दिया गया था, उसके काम से असंतुष्ट होकर, यानी उसका काम गांधी जी को पसंद नहीं आया था, उन्होंने बताया कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझ कर चांदी सा चमका सकते थे। बर्तन को मांझने का अर्थ है कि उसको रगड़ रगड़ कर साफ करना, और उसको लोहे के बर्तनों को भी वो चांदी सा चमका सकते थे। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था, उस समय वहाँ आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था, क्योंकि तब तक आश्रम का निर्माण नहीं हुआ था, तो साइड में तंबू लगाकर ही सोना पड़ता था। एक नवागत, नवागत यानी जो नया आया हुआ था, को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और ये पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले आ रहे हैं। तो इस तरह इन बातों से पता चल रहा है ना कि गांधी जी किसी भी काम को छोटा नहीं समझते थे, जो काम उनके सामने आता उसी को कर डालते थे। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बंटा चुके थे, यानी चक्की पर आटा पीसने का काम अपने हिस्से का कर चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी बड़े बड़े बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को ये बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस भी लगी, ठेस यानी हल्का मानसिक कष्ट, तो उनको थोड़ा अच्छा भी नहीं लगा। उन्होंने बच्चों का नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को अब बहुत पछतावा हुआ, पछतावा होना अफसोस होना, वो समझ गए कि उनका किया हुआ काम गांधी जी को पसंद नहीं आया। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो, तब तक गांधी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। शारीरिक श्रम का अर्थ है कि अपने शरीर से की जाने वाली मेहनत। तो गांधी जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि जब तक वो किसी भी काम को करने में लाचारी यानी विवश ना हो, तब तक वो अपने हिस्से का कोई भी शारीरिक मेहनत किसी और से नहीं करवाना चाहते थे, खुद ही करना चाहते थे। इस प्रकार का काम करने की उनमें अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। अद्भुत यानी अनोखी उनकी कैपेसिटी थी, क्षमता थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉलस्टॉय बाड़ी में रहते थे, तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 यानी 42 मील तक पैदल चलते थे। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे, शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। तो जैसा काम गांधी जी करते थे, वैसे ही उनके साथी भी करने लग गए, अनुकरण करना यानी उनकी नकल करना, क्योंकि ये सब चीज़ें उनके साथियों को भी अच्छी लगने लग गई थी। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था, जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे, तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। तस्तरियां छोटी थाली, तो उनमें जो लोग ये मेहनत करके आ रहे थे, इनके लिए फल आदि तैयार करके रखे हुए थे। किसने रखे थे? गांधी जी ने। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए ये सब कष्ट क्यों किया, कि हमारे लिए ये काम क्यों किया?
क्या ये उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। थके मांदे का अर्थ है कि जो थक कर चूर हो गया हो, क्योंकि ये सब लोग क्या काम कर रहे थे, तालाब की भराई का, जिसके लिए फावड़े, कुदाल और टोकरियों से काम करना पड़ता है, जो कि बहुत ही मेहनत भरा होता है। तो गांधी जी को पता था कि वो सब लोग बहुत ही थकान से भरे हुए हैं, इसलिए उनके लिए नाश्ता तैयार किया। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज यानी वेज खाने के लिए निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरे पहर यानी 2 बजे के करीब एक दुबला पतला और छरहरा यानी चुस्त और फुर्तीला आदमी आकर उनमें शामिल हो गया। किसमें? जो बच्चे स्वयं गांधी जी के लिए खाना बना रहे थे, उन्हीं के बीच में अचानक 2 बजे के करीब एक दुबला पतला और फुर्तीला आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तस्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। छुटपुट यानी छोटे मोटे काम करने में उनकी सहायता करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। तो ये बच्चे किन के लिए खाना बना रहे थे? गांधी जी के लिए। और गांधी जी भी अचानक उनमें शामिल हो गए और उनके काम में हाथ बटाने लग गए। तो इस तरह बच्चों आपको समझ आ रहा है ना कि गांधी जी के जीवन की अलग अलग घटनाओं से कि वो कभी भी आलस नहीं मारते थे काम करने में। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, सख्त यानी थोड़ा कठोर थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। दूसरों से तो वो काम करवा लेते थे, लेकिन दूसरों से काम करवाना उनको नापसंद था। गांधी दूसरों से काम लेने में तो थोड़ा सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उनको पसंद नहीं था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श गुहार रहे थे। फर्श गुहारना यानी फर्श को साफ कर रहे थे, झाड़ू लगा रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। बुहारी यानी झाड़ू उनके हाथ से उस कार्यकर्ता ने ले ली, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन गांधी जी कभी भी अपने काम के लिए दूसरों को नहीं बोलते थे, वो स्वयं ही करने लग जाते थे। जब गांधी गांव का दौरा कर रहे होते, उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज्यादा पसंद करते थे। क्योंकि बच्चों ये उस समय की घटना है जब बिजली नहीं हुआ करती थी, तो उस समय रात को लिखने के लिए क्या करते थे, लालटेन में तेल डालकर उसकी रोशनी में कुछ लिखा या पढ़ा जाता था। तो अगर लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो अंधेरा हो जाएगा, तो फिर वो क्या करते, अगर चंद्रमा की अच्छी रोशनी हो तो उसी में अपना पत्र पूरा लिख लेते थे। लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे, लेकिन वो इस काम के लिए अपने सोते हुए किसी साथी को परेशान नहीं करते थे। नोआखाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में, शिविर यानी अस्थायी विश्राम स्थल जो रास्ते में बनाया था, केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। इन दोनों को ये नहीं मालूम था कि खाकरा कैसे बनाया जाता है। खाकरा एक गुजराती व्यंजन है, तो वो बनाना इन दोनों आदमियों को नहीं आ रहा था। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइये की तरह, निपुण यानी जो अपने काम में कुशल हो, प्रवीण हो, वैसे रसोइये की तरह उन्होंने खाकरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी। उस समय गांधी जी कितनी साल के थे? 78 यानी 78 वर्ष के थे। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद यानी 2 महीने बाद ही
उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। दाई यानी जो बच्चे की देखभाल के लिए सहायक होती है, तो किसी को भी अपने बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। अनिवार्य का अर्थ है जरूरी। गांधी जी समझते थे कि बच्चे के विकास के लिए उसके माँ बाप का प्यार और उसकी देखभाल ही ज्यादा जरूरी है, ना कि किसी दाई की। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। बहलाना यानी बच्चों को बुलावा देना या बहकाना, उनको चुप करा सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमजोर हो गई हैं। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था। चैन नहीं लेने देने का अर्थ है कि आराम न लेने देना। तो बच्चे ने उनको इतना परेशान कर रखा था, उसी की वजह से वो बहुत दुबली और कमजोर हो गई थी, और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया, यानी उस बच्चे की जिम्मेदारी खुद ने ले ली। सारे दिन बड़ी मेहनत करते, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लेटा लेते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दें, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक, पखवाड़े का अर्थ है 15 दिन का समय, यानी 15 दिन तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। और इस तरह गांधी जी ने उनकी भी मदद करी। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर स्त्री की, स्त्री यानी उनके दुपट्टे पर प्रेस करी। स्त्री का हिंदी में अर्थ है वह उपकरण जिसे गर्म करके कपड़े की तह बैठाई जाती है। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे लेकिन गांधी नहीं मानते थे। तो बच्चों यहाँ पर ये बताओ, गोखले जी का पूरा नाम क्या है? महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहां उन्होंने गंदे पाखाने साफ किए। पाखाने का अर्थ है शौचालय। तो वहां पर इन्होंने गंदे शौचालय को भी साफ किया। और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है। कारकुन यानी काम करने वाला व्यक्ति या कोई एजेंट नहीं है, सहायक नहीं है जिसे ये काम दूं। क्या तुम ये काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूं जो मेरी सामर्थ्य से बाहर ना हो। सामर्थ्य यानी योग्यता। तो गांधी जी ने कहा कि मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूं जो मेरी योग्यता से बाहर ना हो। ये काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला। और इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी तब गांधी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। हरिजन जो अछूत जाति का व्यक्ति, उनको ही रखने का आग्रह यानी हट करते थे। उनका कहना था, नौकरों को हमें वेतन भोगी मजदूर नहीं, वेतन भोगी मजदूर यानी वेतन पर निर्वाह करने वाला व्यक्ति, जो काम के बदले में हम उनको वेतन देते हैं, उनको मजदूर ना समझकर अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा
सर्वथा यानी हर तरह से निष्फल नहीं जाएगी। निष्फल का अर्थ है कि व्यर्थ नहीं जाएगी, जिसका कोई फल ना हो। अगर हम कोशिश करेंगे तो हमारी कोशिश बेकार नहीं जाएगी। उन्हें ये मालूम ही नहीं था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। गांधी जी को ये बात ही नहीं पता थी कि किसी को नौकर की तरह कैसे रखा जाता है। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। सेवा टहल यानी सेवा करना और टहलाने के कार्य का काम उनके साथियों को सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को दूहता यानी बकरियों का दूध निकालता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पखाने की यानी उनके शौचालय की सफाई करता था। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और दो गोरे यानी अंग्रेज भूरे रंग के विदेशी यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें ये देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। एक बार एक भारतीय सज्जन यानी भले आदमी के यहाँ काफी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे, तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। तो आप लोगों ने जो मेरी सेवा करी है, प्रतिदान का अर्थ है कि किसी भेंट के बदले में दूसरी वस्तु दान या भेंट करना। तो आप लोगों ने जो मुझे सेवा का दान दिया है उसके बदले में मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको कुछ दे पाऊँ, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। लेकिन भगवान आपको इसका पूरा फल देंगे जो आप लोगों ने मेरी इतनी अच्छी सेवा करी है। तो देखा बच्चों, गांधी जी किसी भी काम को करने में संकोच नहीं करते थे और ना ही किसी काम को छोटा समझते थे। तो बच्चों, आपको भी अपने स्वयं के काम तो खुद करने ही चाहिए, साथ ही घर में बाकी लोगों की सहायता व कक्षा में अपने दोस्तों की सहायता भी करनी चाहिए। और इस निबंध को लिखा है अनुबंधोपाध्याय जी ने। अनुबंधोपाध्याय जी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, जिनका जन्म 1917 में हुआ था और उनकी मृत्यु 2006 में हुई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कामों में भी गांधी जी की अभिन्न सहयोगी रही, तभी तो इनको इन सब बातों के बारे में जानकारी है। उन्होंने कलेक्ट्रेट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया। बहुरूप गांधी में लेखिका ने गांधी जी की दिनचर्या के उन कार्यों को रोचकता से लिखा है जिन्हें गांधी खुशी से करते थे। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माता ही नहीं थे, उनके जीवन के हर प्रसंग से सीखा जा सकता है। और इस निबंध के अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग दो में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।